यहाँ से शुरू कर दिया हमने प्रोग्राम को और हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रोग्राम नंबर 33 और इसके एरर्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ चले गए हमने, यहाँ से जाके प्रोग्राम सेव कर दिया और उसी फोल्डर में जाके इसको प्रोग्राम क्लास 23 कर दी हमने और प्रोग्राम सॉल्व कर दिया 33। ठीक है, सेवेस कर दिया। यहाँ से जो बीच के कोड थे उनको हमने रिमूव कर दिया और अपना कोड प्रोग्राम का ऐड कर दिया। तो यहाँ पर जो ये ऊपर वाला कोड था इसको तो हम हटा ही देते हैं, दो एरर्स तो यहीं पे ऐसे ही खत्म हो जाएंगे इसके। तो यहाँ से काम शुरू हो जाएगा हमारा। तो सबसे पहले आई स्ट्रीम सही है, आईओ मेन आईपी की जरूरत नहीं है क्योंकि अब हम इसके अंदर फ्लोटिंग पॉइंट या फॉर्मेटिंग नहीं कर रहे हैं। तो चार करके दो वेरिएबल लिए, नेम और गो, जो कि सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने की सलाहियत रखते हैं। सीआउट के इंटर नेम और गेट लाइन करके इसने इनपुट लेना है। अब यहाँ पर देखें, जब ये गेट लाइन करके इनपुट ले रहा है तो सबसे पहले तो देखें ये सिंगल कैरेक्टर वेरिएबल है और अगर गेट लाइन करके इनपुट लेना है तो इस तरह से गेट लाइन नहीं लिखा जाएगा। मेरा तो मशवरा है कि जब इसको इनपुट ही सिंगल कैरेक्टर का लेना है तो यहाँ पर हम लगाएंगे सी इन फंक्शन। जैसे सी इन लगाएंगे तो यहाँ पे अब इनपुट बिल्कुल गो नेम के अंदर आ जाएगा। फिर ये कह रहा है हाई और जो नेम हम लिखेंगे वो यहाँ पे नजर आएगा। लेकिन इसके अंदर एक इशू है, वो इशू मैं आपको समझाता हूँ क्या इशू है। वो इशू क्या है, वो इशू ये है कि यहाँ पर रिटर्न जीरो कर दिया और इसको भी प्रोग्राम को रन करते हैं। तो अब जैसे जो भी नाम हम लिखेंगे प्रोग्राम को रन करते हैं कोई एरर नहीं है। तो हमने यहाँ पे लिखा सपोज टू बी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ठीक है, और इंटर किया तो इसने कहा हाईएस्ट। ठीक है, जब ये इनपुट पूरे नाम का कह रहा है तो यहाँ पर तो ये जो वेरिएबल है ये सिंगल कैरेक्टर स्टोर कर सकता है तो इसमें पूरा नाम तो आएगा नहीं। तो इसलिए फिर हम इसको डिफाइन कर देंगे किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर। और स्ट्रिंग में डिफाइन करने के बाद और इसको नेम लिख देंगे आगे और यहाँ पे डिक्लेरेशन लगा देंगे इसकी। उसके बाद सी इन के जरिए अब जब इनपुट लेंगे प्रोग्राम को रन करेंगे, अब हम लिखते हैं सुबहान अल्लाह और इंटर करते हैं तो हाई सुबहान अल्लाह लिखा गया। लेकिन अभी भी इसके अंदर एक एरर है। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे मिसाल के तौर पे वसीम अहमद रईस, तो वसीम जैसी स्पेस देंगे रईस, वसीम अहमद रईस, तो हाँ वसीम अहमद रई सानी कर देते हैं इसको। ठीक है, तो अब क्या आउटपुट आएगा, आउटपुट तो ये आना चाहिए वसीम अहमद रई सानी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सी इन फंक्शन के अंदर एक लिमिटेशन ये आती है, सी इन उस वक्त तक इनपुट कंटिन्यू रखता है जब तक कि आप स्पेस नहीं देते। जैसे ही आप स्पेस देते हैं तो आपने इसका मतलब सी इन फंक्शन को कट ऑफ कर दिया, अब सिर्फ वसीम इनपुट में जाएगा और हाई में भी वसीम ही नजर आएगा। सही है, तो इस लाइन का सलूशन ये हो सकता है कि हम सी इन की जगह पे एक और फंक्शन यूज करते हैं गेट लाइन, और गेट लाइन को यूज करने का तरीका ये कि उसकी हम दो लगाते हैं राउंड ब्रैकेट्स और उसमें सी इन लिखते हैं पहले आर्ग्यूमेंट में और दूसरे आर्ग्यूमेंट में जिस वेरिएबल के अंदर इनपुट लेना है या एरे है या स्ट्रिंग है उसको ये से लिख लेते हैं। अब आप देखें भले भले पूरे नाम पैराग्राफ लिखें, ये जैसा इनपुट लेगा वैसे ही सेट करेगा और वैसे ही आपको आउटपुट देगा। सफर हम यहाँ लिख देते हैं सुबहान अल्लाह बोदानी, एंटर, तो यहाँ देखिए हाय सुबहान अल्लाह बोदानी लिखा रहा है। इसी तरह हम इसको यहाँ पर रन करते हैं प्रोग्राम को, हम यहाँ लिख देते हैं मिस्टर कांतेश कुमार लोहाना, तो ये लिखा हमने, एंटर कर दिया तो देखिए पूरा का पूरा लिखा हुआ रहा है। तो ये हमने इसका एरर सॉल्व कर दिया और ये प्रोग्राम बिल्कुल करेक्ट काम कर रहा है।